जम्मू कश्मीर के बैंक को भी अगर मैं देखता हूँ तो 2019 में बैंक कैसा था और आज कैसा है, ये भी एक पैमाना है जिसे जानना बड़ा आवश्यक है। और मुझे लगता है कि 2019 में 2020 में आया था लगभग 1200 करोड़ रुपए के घाटे में बैंक चल रहा था। पिछले 4 वर्षों में आज जम्मू कश्मीर बैंक मोटे तौर पर 1200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है और अनुमान ये है कि अगले साल इसका प्रॉफिट 1500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो जो बात मैं पहले कह रहा था, बैंक के साथ भी वही किया इन लोगों ने और ये विदेशों में घर कहीं और से नहीं बना है, संकेत मेरा आप समझ रहे हैं। अगर मैं एनपीए की बात करूं तो 2019 में 11% से ज़्यादा था, 11.4, और 2023 के अंत में आज जम्मू कश्मीर बैंक का एनपीए 4.85% है, माने देश के किसी बैंक से बेहतर। 2019 में बैंक के शेयर 20 रुपए में बिकते थे, आज 130 रुपए से ज़्यादा में बिक रहे हैं। अब इन सब लोगों के लिए जो जिम्मेदार हैं वो भी नैतिकता का भाषण देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, वो भी बात करते हैं कि विकास अवरुद्ध हो गया है। आज ये अवसर नहीं है, मैं नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जो काम रहा है उस काम को जान जाइए अच्छी तरीके से। और ये काम फिर अगर जम्मू कश्मीर में हुआ तो घाटे से शुरू हुआ बैंक जो आज प्रॉफिट में आया है, घाटे में पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसलिए खासतौर से युवा बच्चों और बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये बैंक किसी के बाप का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आम आदमी का बैंक है, जम्मू कश्मीर की जनता का बैंक है और जम्मू कश्मीर की जनता के हितों में ये बैंक काम करे, इसके लिए आपको भी आने वाले दिनों में परिश्रम करना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है।